दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत। हफ्ते के पहले दिन बाजार सुस्ती के साथ खुलने के बाद रिकवर होंगे या फिर 10-200 के नीचे फिसलेंगे, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज सेंसेक्स निफ्टी फिर से कमजोरी दिखा रहा है, थोड़ा एक्सटेंडेड है। शुक्रवार को हमने 125 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी को क्लोज किया। आज के कुछ अहम ट्रिगर इसके साथ कर रहे हैं शुरुआत। जरा ये देखिए, उसमें करेंसी और क्रूड तो दो इंपॉर्टेंट है ही। $62 के नीचे क्रूड है, करेंसी ने कुछ मजबूती दिखाई है, ये ट्रिगर है। इसके अलावा एक ट्रिगर नंबर्स को लेकर भी है। कईयों के नतीजे आ गए, कईयों के नतीजे आने हैं, जैसे कि आयशर मोटर, इसके नतीजे आने हैं और इसमें ये लगा रहे हैं उम्मीद की इस बार अगर डिमांड में फिर से कमी आई मैनेजमेंट की तरफ से, शेयर पिट सकता है क्योंकि नंबर्स में भी खास उम्मीद नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन की या दोनों ही कंपनीज को यूएसएफडी से झटका लगा, दोनों की इकाइयों को लेकर ग्लोबल मार्केट मिले जुले हैं। आज सिर्फ जापान का बाजार बंद है, लेकिन कई दिनों की छुट्टी के बाद चीन का जब बाजार खुल रहा है वो थोड़ा सा कमजोर आपको दिख रहा है। और इसके अलावा आज वीकली ऑप्शंस भी है निफ्टी की। ये तो कुछ एक अहम ट्रिगर है जिसका असर आज मार्केट्स पर रहेगा। लेकिन एक बात जो पिछले हफ्ते पूरी तरह से हावी रही वो थे एडीजी के शेयर्स। वहाँ पे जबरदस्त टूट जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखी, बाद में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो अनिल जी, आज पहले ना शुरुआत में जरा इसी से हम समझना चाहेंगे। एडीएजी के चेयरपर्सन अनिल अंबानी ये कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती सोची समझी तरीके से बेचे गए शेयर्स हैं, जबकि जिन्होंने शेयर्स बेचे हैं फंड हाउसेज ने, एनबीएफसीज ने, वो कह रहे हैं हमारे पास तरीका यही था, हम तो अपने सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। कौन सही है? ये तो वक्त बताएगा कौन सही है, लेकिन हाँ, आमतौर पर इस तरह से जो भी फंडिंग वगैरह ली जाती है और जब भी मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं, चाहे फिर वो कोई प्रमोटर ग्रुप हो या फिर एक रिटेल ट्रेडर, उनका अंजाम यही होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि अगर पुराना अनुभव मेरा कुछ कहता तो ये है कि जब भी कोई ब्रोकर किसी ट्रेडर की या इन्वेस्टर की मार्जिन कॉल की वजह से पोजीशन बेचे, या अगर कोई एनबीएफसी मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से किसी प्रमोटर की या जिसने उधार लिया उसकी पोजीशन बेचे, उसके बाद एक बात पक्की है कि उसके नीचे के दाम पर शेयर मिलते हैं लेकिन वो खरीदे दोनों से नहीं जाते, क्योंकि अगर वो खरीदने वाली सिचुएशन होती तो बेचते ही क्यों। आमतौर पर देखिए, अल्टीमेटली ये है कि भाई अगर ये डिसाइड करना है कि सिचुएशन ऐसे आ गई कि आपको मरना है या मुझे मरना है, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा कि आप ही मरिए पहले आप वैसा वाला मामला है। तो ये फंडिंग वाला मामला में सिंपल है, जब एनबीएफसी और प्रमोटर के बीच में ये आ जाए कि नुकसान होना एक को तय है तो किसको होना है, तो जो ऊपर है उसको होगा। जाहिर सी बात है, एनबीएफसी के पास शेयर हैं, वो मार्जिन कॉल। अब ये है कि विवाद किस बात पर हो सकता है? विवाद इसी बात पर हो सकता है कि आपने समय पर मार्जिन कॉल दिया या नहीं दिया, आपने मौका दिया या नहीं दिया, टाइम दिया या नहीं दिया। अब बात तो वही ना कि अगर 50% आरकॉम नीचे खुलता है तो मार्केट कौन सा टाइम देता है आपको? सही बात है। जब मार्केट टाइम नहीं दे रहा तो एनबीएससी, और दूसरी बात ये कि बेचने के बाद भाव नीचे के होते हैं तो वो जस्टिफाई भी कर पाते थे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें चलेंगी, वाद विवाद चलेंगे, कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई एनबीएससी को बहुत समस्याएँ होने वाली है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप एनबीएससी के कामकाज पर थोड़ा सवाल उठा सकते हैं कि आप किस तरह के स्टॉक्स की फंडिंग करें, लेकिन बात वही है डिम्पी, अगर आप इस तरह के लिक्विड स्टॉक्स में फंडिंग नहीं करेंगे, ऐसे जाने वाने ग्रुप में फंडिंग नहीं करेंगे तो एनबीएफसी चलाएंगे भी कैसे? तो ये कारोबार के साथ जुड़ी हुई रिस्क है, जो लोग पैसा उधार ले रहे हैं उनके लिए भी है और जो दे रहे हैं उनके लिए भी है। तो इसे एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरफ देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं कोई इसके कोई बहुत बड़े सॉल्यूशन आएंगे। यही होगा कि हाँ ठीक है, बेचा है, मार्जिन कॉल से बिक गया, अब ठीक है इंटरेस्टिंग है। और इस बीच कुछ एक और आंकड़े, जैसे हम ग्लोबल से लेकर ट्रेंड तक आपके सामने सब कुछ रखते हैं, तो आज उसका क्या क्या पैमाना है जरा एक बार ये समझ लेते हैं। तो पहले सर, ग्लोबल मार्केट्स ये न्यूट्रल रखा है आपने आज, बहुत ज़्यादा बाजार खराब नहीं है। हांगकांग भी आप देखिए मामूली सी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी बाजार दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए। वीकेंड पर खबरें आ रही कि 1 मार्च के पहले सॉल्यूशन आने की संभावना कम है ट्रेड वॉर को लेकर, और उससे पहले शायद ट्रंप साहब शी जिनपिंग से मिलेंगे भी नहीं कि भाई ठीक है। तो आज कितना है, अभी 20 दिन और हैं आपके पास में, 20 दिन जितनी मेहनत करनी कर लीजिए, 18 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगर सॉल्यूशन पे आ जाता है। और ये हमेशा रहेगा, कभी आपको स्टेटमेंट, अब जैसे जैसे आप 1 मार्च के नज़दीक पहुंचेंगे, स्टेटमेंट दोनों तरह के आते दिखेंगे, अरे प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अचानक से नहीं नहीं कहीं गाड़ी अटक गई है। तो ये दोनों तरह के झटके लगते रहेंगे और लगातार लगते रहेंगे और उस लिहाज से बाजार ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए हल्का सा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने नहीं कहा है, उनके एक अधिकारी ने कहा कि बातचीत उतनी सफल नहीं है, अभी उतनी आगे नहीं बढ़ रही है। तो ठीक है, नहीं बढ़ रही तो 7 दिन चीन वाले छुट्टी के मूड में भी तो थे,
है ना, सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी छुट्टी नहीं होगी, आए होंगे लेकिन मन से थोड़ी काम कर रहे होंगे, तन से ही कर रहे होंगे। तो इसलिए ठीक है, चिंता ना करें, आज से बात बनना शुरू हो जाएगी चीन में भी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है भाई, ऐसी क्या बात है। तो सिंपल चीज़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें तनाव में हूँ नहीं कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, हो जाएगा धीमे धीमे, तो देखते हैं एक मार्च की डेडलाइन तक। तो ग्लोबल संकेत इसलिए मेरे लिए न्यूट्रल है। अगला ट्रिगर जो होगा ग्लोबल मार्केट ही होगा। हाँ, बस ये रिजल्ट सीजन खत्म हो जाने दें, दो तीन दिन की बात है, 15 तारीख की, हाँ मतलब ये हफ्ता हो गया, उसके बाद तो सिंपल है, आपको पूरे की पूरी तरह से रोज डाउ नैस्डैक फ्यूचर एसजेएक्स वगैरह ये सब देखने हैं। आज सारी चीज़ों में आपने सिर्फ एक ट्रेंड को ही पॉजिटिव रखा है, सब में कॉशियस न्यूट्रल नेगेटिव, कॉशियस न्यूट्रल नेगेटिव, ऐसा क्यों, सिर्फ ट्रेंड ही रह गया पॉजिटिव? ट्रेंड तो पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रेंड में वो क्लोजिंग नहीं हुई नीचे की जो होनी चाहिए थी, ये बात सही। ग्लोबल न्यूट्रल, एफआईएस के आंकड़े भी न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है। घरेलू फंड्स के आंकड़े नेगेटिव साइड पर है, एफएनओ के आंकड़े न्यूट्रल साइड पर हैं, सेंटीमेंट थोड़ी सावधानी भरा है क्योंकि शुक्रवार की गिरावट के बाद, ट्रेंड पॉजिटिव है। निर्णायक लेवल आज के निफ्टी पर 10,925 का लेवल निर्णायक लेवल है आज। आमतौर पर राउंड फिगर मिलता है, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने एग्जैक्ट लेवल निकाल कर दिया है। 27,250 बैंक निफ्टी पर आज के लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा। इस लेवल के नीचे है तो आप हल्के दबाव में हैं, इसके ऊपर हैं तो दिक्कत नहीं है। 10,975 ये निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज मानकर चलिए आज के लिए आप। इसके बाद बड़ी रेंज जो है वो है 10,850 से लेकर 11,000 के बीच की रेंज, इसे आप मीडियम रेंज मानकर चल सकते हैं। ज़्यादा संभावना ये है डिम्पी कि इस रेंज के बीच बाज़ार आज वक्त बिता दे, इस रेंज के किसी भी एक सिरे के बाहर ना निकले। आमतौर पर ये मान के चलिए जब मैं तीन रेंज देता हूँ तो ज़्यादा संभावना है कि बाज़ार मीडियम रेंज का कोई कोई एक सिरा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग ऑन ट्रेंड और मूड। अगर ट्रेंड और मूड अच्छा है तो मीडियम रेंज का ऊपरी सिरा पकड़ेगा, खराब है तो नीचे की तरफ आने की संभावना बन जाती है। अब आइए एक्सट्रीम रेंज, वो 10,800 से लेकर 11,050 की आज के लिए आपके लिए बनती है। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी वैसे शुक्रवार के सेशन में मजबूत था, कमजोरी कम दिखा रहा था, आखिरी 15-20 मिनट छोड़ दें तो बैंक निफ्टी ने ताकत दिखाई है। 27,150-27,400 बैंक निफ्टी के लिए आज की छोटी ट्रेडिंग रेंज बनकर निकल कर आती है। 27,500 से 27,500 ये आपके लिए मीडियम रेंज है बैंक निफ्टी की, और एक्सट्रीम रेंज 26,900 से लेकर 27,600 की बनती है। असली कमजोरी बैंक निफ्टी में जो शुरू होगी वो 26,900 के नीचे जाने पर होगी, और 26,900 का आपने तोड़ दिया तो फिर 26,500 भी आपको आते हुए दिखेगा, वो आज होने वाला नहीं है। 26,900 टूटने की संभावना आज नहीं के बराबर है, लेकिन एक्सट्रीम रेंज पर ध्यान रखना चाहिए। 27,600 के पार निकलने पर आप 28,000 की तरफ बढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक्सट्रीम रेंज की जिस और एक ब्रेकआउट मिलता है 400 पॉइंट की तेजी या 400 पॉइंट की मंदी के लिए आप तैयार हो जाइए। अब आइए आपको स्टॉप लॉस का लेवल दे दूँ, अगर आज 10,900 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन आपको और कम कर लेनी है। 27,150 के नीचे बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। ये आज के फ्रेश क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस से डिम्पी उसको मैंने 25 पॉइंट निफ्टी पर कम किया, जो शुक्रवार का था 27,925 था, आज 10,925 कर लिया है। 27,200 बैंक निफ्टी का था, थोड़ा सा सेफर साइड पर 27,150 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस कर दिया है। ठीक है, अब जिनके पास पहले से लॉन्ग की पोजीशंस है निफ्टी की वो क्या करें? देखिए, जो पहले से लॉन्ग की पोजीशन है उनको इंट्राडे में हमने पहले ही कहा था शुक्रवार को कि 11,000 के लेवल के नीचे अगर दिन के दौरान निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको तेजी की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और बैंक निफ्टी पर वही लेवल 27,300 का था, भले क्लोजिंग हम 27,300 पर देख रहे हैं बैंक निफ्टी की, लेकिन दिन के दौरान 27,300 तोड़ दिया तो आपके तेजी की पोजीशन के स्टॉप लॉस डे ट्रेडर के लिए ट्रिगर हो चुके हैं। पोजिशनल ट्रेडर का 10,925 था और 27,200 था, वो ट्रिगर नहीं हुआ, वो आज आपको रिवाइज कर लेना है 10,900 और 27,150, थोड़ा सा और नीचे कर लेना। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, और इसीलिए अभी भी ट्रेंड मैंने पॉजिटिव रखा है, ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर जिस लेवल के नीचे बाजार को बंद होना था वो बंद नहीं हुआ है, तो डे ट्रेडर्स के लिए तो स्टॉप लॉस तेजी का ट्रिगर हो चुका है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने शॉर्ट भी बनाई होगी, क्योंकि जिन लेवल्स पर हमने कहा था वहाँ से शॉर्ट भी बनी है, शॉर्ट के लेवल जो दिए थे वहाँ से शॉर्ट करने का मौका भी बना। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो अब आपको 11,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट बना रखी है निफ्टी में। तो आपके टारगेट होंगे 10,900, 10,850 और 10,825, तीन टारगेट के लिए, ये जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए, और जिनकी बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है उन्हें 27,500 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 27,150 तक के टारगेट के लिए।
ठीक है, यानी कि जिनकी पुरानी पोजीशन है उनके लिए 10,900 हो गया अब एक स्टॉप लॉस, और 27,150 हो गया बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस, और जिनके पास शॉर्ट की निफ्टी है उनके लिए अब 11,000 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 10,900, 850 और 825 ही हो गया। अब जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता दीजिए जिनके पास पुरानी पोजीशन है। पुरानी पोजीशन वाले के लिए तो 27,500 स्टॉप लॉस है जो शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, उसके ऊपर जाए तो आप शॉर्ट काटिए, जब तक 27,500 के पार नहीं निकलते आपको शॉर्ट नहीं काटनी है। 27,150, 27,050 ये आपके पुरानी पोजीशन के लेवल्स हो गए। अब आइए नई पोजीशन, निफ्टी में नई पोजीशन कब और कैसे बनानी है। पहले मंदी की, जितना 11,000 के नज़दीक बेच पाए उतना बेहतर है। अब मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा मौका, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ शायद एक चांस मिल जाए तो मिल जाए, तो 11,000 के नज़दीक आपको बेचना है, पॉइंट नंबर वन। 11,050 आपका स्टॉप लॉस होगा, 10,950, 10,925 के टारगेट के लिए। ये सिंपल है बैंक, ये निफ्टी शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है। खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है, लेकिन बहुत नीचे दूर 10,825, 10,850 की रेंज में मौका मिलेगा तब खरीदेंगे, ठीक है, या फिर 11,000 के ऊपर खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम यही सोच रहे हैं कि 11,000 के ऊपर जाने की तैयारी है, हम खरीदेंगे फिर 10,825, 10,850 के आसपास। एग्रेसिव ट्रेडर 10,900 पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिम्पी 9:08 पर आपको जुड़ना होगा, और तब मैं रुपए की ओपनिंग और सारा माहौल उस वक्त का एशिया देख का माहौल देखकर बताऊंगा कि अगर 25 पॉइंट नीचे 10,900 के आसपास 10,900-10,925 की रेंज में मार्केट खुलता है तो क्या खुलते ही खरीद लेना चाहिए, ये उस वक्त डिसाइड होगा, अभी नहीं, ठीक है, राइट। तो अभी ये है कि 10,825-10,850 के आसपास निफ्टी मिले खरीदिए, 10,800 का स्टॉप लॉस, 10,900 से लेकर 10,925, ये दो टारगेट निफ्टी पर आपके लिए ऊपर के बनते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए सही जगह है 27,400 से 27,500 की रेंज, इस 100 पॉइंट की रेंज में मौका मिलेगा तो छोड़िएगा मत, शॉर्ट कर दीजिएगा बैंक निफ्टी को। हालांकि एक बार फिर बता दूं कि शुक्रवार पहला ट्रेडिंग सेशन था, दो सेशन के बाद जहां बैंक निफ्टी ने ताकत दिखाने की कोशिश की है, इसलिए मौका ऊपर मिल भी सकता है, इसलिए भी मिल सकता है कि बात करते करते आपको बता दूं कि हांगकांग हरे निशान में भी आ चुका है, हाँ, इसलिए हमने ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं कहे, हाँ, इसलिए हमने कहा न्यूट्रल ही है, यही फर्क है कि आपको थोड़ा सा आगे का भी देखना होता है, हाँ, तो है। मतलब खाली इतना सा 2-3 इंडेक्स को लाल निशान में देख के हम डिसाइड कर लें या किसी एक ट्रंप साहब के अधिकारी के मूड के बेसिस पे डिसाइड कर लें कि बाजार खराब है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा अंदर पढ़ना जरूरी है, थोड़ा विस्तार में समझना जरूरी है। इसलिए बैंक निफ्टी को 27,400-27,500 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है, 27,600 आपका स्टॉप लॉस होगा, 27,300, 27,250, 27,150 ये तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आप बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। अब खरीदना है, बेस्ट जगह तो देखिए 27,050 से लेकर 27,150 ये रेंज में मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ आपको खरीदारी करनी ही करनी चाहिए। अगर आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो 27,000 का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन सही और सेफ स्टॉप लॉस 26,900 का बनेगा, 26,900 के स्टॉप से खरीदिए, 27,250, 350 या आपके लिए लेवल ऊपर के बन सकते हैं बैंक निफ्टी पर फिर से खरीदारी करने के लिए आज से, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी, अब जरा FIs और FNO के कामकाज पे भी आ जाए, अब PCR और VIX में कुछ ज़्यादा नोटिस करने वाले नहीं वहाँ पर, हाँ PCR में एक चीज़ अच्छी है, पिछले दो दिन से हम कह रहे थे कि अलर्ट रहिए, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी नहीं करनी है, शॉर्ट करें ना करें खरीदारी नहीं करनी, ये दो दिन से लगातार मैंने वो लाइन भी लिखी हुई थी हायर लेवल पर अलर्ट रहे, वो लाइन आज निकाल दी, ओके वो लाइन भी निकाल दी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1.78 से घटकर 1.59 20 बेसिस पॉइंट नीचे आ गया, मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ सेक्टर्स दो खराब दिख रहे हैं, मेटल और फार्मा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको सावधानी रखनी खरीदारी करने के लिए आज से, ये थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं सेक्टर्स आज के लिए, ठीक है। वैसे भी फार्मा को लेकर तो दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे हैवी नेगेटिव खबर, एक तो ल्यूपिन पे और डॉक्टर रेड्डीज पे, जिनके दोनों प्लांट को लेकर आपत्तियां भी हैं। अब आते हैं जरा FIs और FNO के कामकाज पे, पहले जरा FIs के बेसिस पर न्यूट्रल, कई दिनों से खरीदारी तो हो रही है और कल का सेशन थोड़ा सा हटके था, कल हल्की सी उनकी तरफ से भी बिकवाली हुई है, और ये कितना नोटिस करना देखिए डिम्पी FIs के आंकड़े पॉजिटिव नहीं है, अगर सिर्फ आप 844 करोड़ के आंकड़े कैश मार्केट की खरीदारी समझ पढ़कर ये समझे कि पॉजिटिव है तो फिर आपने आंकड़ों को विस्तार से नहीं देखा, ठीक है। 224 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, छोटा है ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन जितना 844 करोड़ का खरीदा उसके सामने 800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए, यानी नेट नेट खरीदारी कितनी 44 करोड़ के स्टॉक्स में, बड़ी है क्या, इस पर आप पॉजिटिव कैसे कह सकते हो, फिर न्यूट्रल ही हुए और नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि 225 करोड़ के इंडेक्स बेचना भी बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने एकदम नाप तोल कर न्यूट्रल किया है, है ना, न खरीदारी का है न बिकवाली का। लोकल फंड ने 960 करोड़ का बेचा है, ये आंकड़ा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। इंडेक्स में 1877 करोड़ की खरीदारी FIs की तरफ से हुई है, और इससे खुश होने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस खरीदने की, इंडेक्स बेच रहे हैं, फ्यूचर्स बेच रहे हैं, ऑप्शन खरीद रहे हैं, हेजिंग वाला मामला है, इसलिए आंकड़े न्यूट्रल है, ठीक है।
अब आते हैं जरा एफएंडओ के स्ट्राइक रेट के हिसाब से। पहले तो जरा 11,000 और मेरे को 10,900, ये 10,925 आपने निर्णायक लेवल किस बेसिस पर देखा और 11,000 की इम्पोर्टेंस क्या अभी? हाँ, पहले 11,000 की बताता हूँ। 11,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 37 लाख शेयरों का, तो अब 11,000 के ऊपर पार निकल कर टिकेर आप ट्रेड ना करें, तब तक आपको फ्रेश तेजी तो करनी नहीं है। फ्रेश तेजी आपको 11,000 के ऊपर टिकने पर ही करनी है, ये तो आप गांठ मान लीजिए एकदम, ठीक है, क्लियर है। 10,925 इसलिए कि बार बार आपको याद है ना, याद दिलाऊं 10,925 10,930 पर कितनी बार जाकर नोक 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 नोक, मुझे याद है, डोर बेल बजाऊं है ना, याद है वो डायलॉग, याद है ना? याद है तो इसलिए 10,925 लेना एक लेवल निकल कर आ रहा है वहां से, एक हफ्ते पुराना फ्लैशबैक में जाइए, फ्लैशबैक में गया है ना, तो वहां से 10,925 है। 10,900 अगला अहम सपोर्ट है, 29 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है वहाँ पर पुट में, तो बेसिकली 10,900 11,000 ये निफ्टी के लिए आपके लिए आज की ट्रेडिंग रेंज होगी। हो सकता है डिम्पी इस रेंज के बाहर एक भी तरफ ना निकले, ओके, आज पूरा इस 100 पॉइंट की रेंज में ही बाजार वक्त बिता दे उसकी संभावना बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी पर। प्रीमियम घटकर 14 पॉइंट की रह गई, ओपन इंटरेस्ट में 3 लाख शेयर कम हुए हैं, सिंपल है, ठीक है, तो कोई खास पोजिशन तो बनी नहीं है, हल्की फुल्की है मामले। बैंक निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी देखिए डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 27,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में वो सपोर्ट हो गया, 27,500 27,600 की रेंज में 9 लाख शेयर जुड़े हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, वहाँ पर जाकर आप रुकेंगे। कॉल ऑप्शन चूंकि 27,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो बेसिकली वही रेंज को ट्रेड करना है, उसमें कोई खास बदलाव है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई बहुत इस रेंज से बाहर निकलने के लिए आज तैयार है, हफ्ते के पहले दिन तो शायद ही हो, ठीक है। आज वैसे एक ऐतिहासिक दिन भी है, ऑप्शंस शुरू हो रही है निफ्टी की, तो जब एफएंडओ की डिस्कस हो ही रहा है तो फिर मैं जरा ये भी समझना चाहता हूँ ये सारी की सारी ऑप्शंस किन के लिए हैं, कैसे हैं और इसका फायदा कैसे मिले, हालांकि इसका एक पूरी पाठशाला है, लेकिन सिंपल चीज है डिम्पी, देखिए जो ऑप्शंस वाला मामला है वो इस लिहाज से कि अब वीकली ऑप्शन करने से बैंक निफ्टी में कितना फ़ायदा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी लोग कहते हैं उसकी रेंज सीमित हो गई है। आई डोंट नो, मतलब एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। हाँ आप ये कह सकते हैं कि कम प्रीमियम में जिन लोगों को ऑप्शन खरीद के ट्रेड करना उनके लिए ठीक है, कि वीकली ऑप्शन है तो वीकली प्रीमियम कम होगी, मंथली वाली की प्रीमियम नेचुरली ज़्यादा होती है, लेकिन जो लोग ऑप्शन खरीदते हैं वो लोग कितना पैसा बनाते हैं वो डाउटफुल है, और आमतौर पर खरीदने का काम रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, लेकिन ठीक है अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि चलिए एक और प्रोडक्ट है आपके सामने। अच्छी बात है कि मंथली प्रोडक्ट तो है ही, वो तो हट नहीं रहा, तो जिनको मंथली ट्रेड करना है वो मंथली कर ले और वीकली करना है वीकली करे, सिंपल है, इसको एक और प्रोडक्ट के तौर पर देखना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ायदा होगा एक्सचेंजेस को तो पक्का है, लेकिन बाकी ट्रेडर को कितना होगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। एक्सचेंजेस के फायदे के साथ ये ऑप्शंस के ट्रेड अब शुरू हो गए, हमारे लिए भी मन लगा रहेगा। और एक चीज मैं बताऊं कि आमतौर पर हर गुरुवार को हमारे दर्शक बैंक निफ्टी मतलब हम मैं एक सिर्फ इस हिसाब से आपको बोलना चाहता हूँ कि जब मैं हमारे ये सारे वीकली डेटा आते हैं टीआरपी वाले तो मैं देखता हूँ हमारी सबसे बेहतरीन दिन जो हमारा होता है वो गुरुवार का होता है, और गुरुवार का स्पेशली क्लोजिंग वाला शो जो 2 से 3:30 हम करते हैं उसमें व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी वजह शायद यही कि हो सकता है हमारे दर्शक ये मानते हो कि वायदा कारोबार का कवरेज या वीकली एक्सपायरी या उसकी समझ, या जैसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं नितिन जी आशु जी और इस तरह के लोग हैं, या फिर हम भी जो डेटा वगैरह एनालिसिस करते हैं रोज़ 2:30 बजे, तो उनको ये एक भरोसा है कि हम वीक प्लस रजत जो पोल करते हैं उनका ये मानना है शायद कि जो वायदा कारोबार की एक्सपर्टाइज है वो हमारे पास थोड़ी सी बेहतर है अच्छी है, और इसलिए वो गुरुवार के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो हमारे लिए तो एक तरह से अच्छा है। अगर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी होती होगी तो वैसे ही पोल बनेंगे, वैसे ही एनालिसिस होगा, वैसे ही वायदा कारोबार के दमदार एक्सपर्ट्स हैं आपको राय देंगे। देश भर में ना कई जगह सिद्धपीठ होती है, तो वैसे ही कम से कम वायदा की सिद्धपीठ तो जी बिजनेस है। सिद्धपीठ, अरे वाह, सिद्धपीठ यानी वो सिद्धि है, आपको और कहीं एनालिसिस नहीं मिलेगा, तो इसलिए कई जगह अगर आप मंदिरों के ऊपर देखते भी होंगे वहाँ पे लिखते हैं सिद्धपीठ है ये, तो इसी तरह से कम से कम वायदा की सिद्धपीठ तो जी बिजनेस है ही, यहाँ पे आपको सटीक एनालिसिस कम से कम वायदा का जरूर। मंदिर जाने का ये फायदा होता है, धर्म ध्यान करने का, देखो डिम्पी ने सही जगह सही चीज जोड़ ली है, तो आपको इधर उधर कहीं जाए इसलिए सिद्धपीठ पे ही है, सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर करना क्या है। तो खैर इस बीच एफ एंड ओ सेक्टर्स ये सारे हमने डिस्कस किए, अब आज के स्टॉक की बात, तो आज का स्टॉक ऑफ द डे
तो आज का शेयर कौन सा? टाटा स्टील बिकवाली करने की राय है, और जाहिर सी बात है कि जो नतीजे आए हैं अच्छे नतीजों की उम्मीद थी और उसके सामने कमज़ोर आए हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर है, मार्जिन थोड़े से उम्मीद से कमज़ोर हैं। 7200 करोड़ के आसपास के ऑपरेटिंग मुनाफे की मैं उम्मीद कर रहा था, 6800 करोड़ के आसपास का आया है, तो लगभग ये कह सकते हो कि 5-6% का मिस है जो मेरा अनुमान है। बहुत गिरेगा क्या स्टॉक? शायद नहीं, लेकिन हाँ 2-3% तक की तो गुंजाइश बनती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा 480 ये है स्टॉप लॉस का लेवल फ्यूचर्स के लिए, ये स्टॉप लॉस लगाकर 460-455 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और एक बार अगर थोड़ा नीचे खुले तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे भी सरका सकते हैं। बहुत गैप से खुल जाए तो फिर स्टॉक ऑफ द डे की तरह ना शॉर्ट करें, गैप से बहुत ज़्यादा खुल जाए, दोनों टारगेट के आसपास खुले तो फिर छोड़ दें। कई बार ये होता है कि रिजल्ट के दम पर सीधे आपके टारगेट के आसपास खुलते तो फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आकर रिकवर भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए गैप से खुलने पर शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आपको गैप ना मिले और एकदम फ्लैट खुल जाए तो फिर एक मौका बन सकता है शॉर्ट करने का टाटा स्टील। और इसलिए आज मेटल्स मैंने शॉर्ट साइड पर भी है, वेदांता भी वीक है, वेदांता कल जो 157-158 के नीचे जाकर कल बंद हुआ है, शुक्रवार को उसने संकेत कमजोरी के दे रखे हैं। बाकी तो आप JSW JSPL ये सारे के सारे शेयर कमजोर हैं। तो मेटल्स एकदम सिंपल है फंडा है, जो हम पहली जनवरी से बात कर रहे थे कि इस साल के लिए मेटल सेक्टर ठीक नहीं है खरीद तेजी करने के लिए, आज से इसे उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। टाटा स्टील के नतीजों ने मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि ये टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। वैसे नहीं गिरेगा जैसा टाटा, वो एक एक्सेप्शनल केस है जो बार बार ना दिखे तो बेहतर है। खैर, दो दिन में टाटा ग्रुप के दोनों शेयर आए, पहले टाटा मोटर्स था और अब टाटा स्टील, दोनों में करनी है बिकवाली। खैर, इस बीच हम आपके सामने 9 से 9:05 बजे के बीच में आज का हीरो शेयर भी लेके आएंगे, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। रिसर्च टीम पूरी मेरे साथ जुड़ चुकी है, हमको रिजल्ट बताने वाले हैं रिजल्ट्स, और सुमित भी रिजल्ट्स पे बात करेंगे, संदीप हमको खबर वाले शेयर्स और दिवाशी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। रजत, कीजिए शुरुआत रिजल्ट्स की। जी बिल्कुल, निफ्टी पे आज आयशर मोटर्स पे नजर होगी, नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज, इंडिया सीमेंट, मैक्स फाइनेंशियल और PFC ये कुछ ऐसी कंपनी होगी जो वायदा कारोबार में एक्टिव है, और यहाँ पर नतीजों का दिन है आज। मदर्स एंड सुमी के भी नतीजे आने वाले हैं FNO सेगमेंट में। इसके अलावा BPCL इस पे फोकस है क्योंकि मुनाफे की फिगर आई है 495 करोड़, हमारे जो अनुमान था वो इससे ज्यादा गिरावट का था मुनाफे का, लेकिन हमारे अनुमान से कम घटा है मुनाफा, 1219 करोड़ के मुकाबले 495 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। आय में इजाफा है, फिगर 79,169 करोड़ पहुंची है वर्सेस 72,292 करोड़, लेकिन इनके GRM $5.6 प्रति बैरल से घटकर $2.78 प्रति बैरल के रह गए हैं। तो बहुत मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं, लेकिन मुनाफे की फिगर हमारे अनुमान से कम घटी है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स नजर यहां रखनी होगी क्योंकि मुनाफा लगभग 30% बढ़ा है, फिगर है 87 करोड़ की, आय में 17% का इजाफा देखने को मिला है, 2,170 करोड़ की आय है। कामकाजी मुनाफा 21% बढ़ता हुआ नजर आया, 268 करोड़ पर पहुंच गया, और इनके मार्जिन भी सुधरे हैं, 11.9% के मुकाबले 12.4% के मार्जिन अपोलो हॉस्पिटल में पेश किए हैं। नालको, यहां पर 376 करोड़ का अनुमान था मुनाफे का, उसके मुकाबले 302 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, आय में गिरावट देखने को मिली है, 3,041 करोड़ से घटकर 2,719 करोड़ आय रह गई, और इनके मार्जिन 28% जो पहले थे उससे घटकर सीधा 19% के मार्जिन रिपोर्ट किया, तो नालको के नतीजे कमजोर हैं। इसके अलावा JK सीमेंट, यहाँ पर मुनाफे के फिगर 8.5 करोड़ से बढ़कर 14.7 करोड़ रही है, और आय में अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 837 करोड़ के मुकाबले 935 करोड़। बेहतर बात यह है कि इनके कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो JK सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट पे भी नज़र रखनी होगी। थर्मेक्स एक और कंपनी जहाँ पर 58.5 करोड़ के मुकाबले 75 करोड़ का मुनाफा थर्मेक्स ने दर्ज किया है। बेहतर बात यह है यहाँ पर कि जो इनका कामकाजी मुनाफा है वो 12% बढ़ा है, फिगर रिपोर्ट हुई है 107 करोड़ की, हालांकि इनके मार्जिन थोड़े कम आए हैं 7.5% के आसपास, लेकिन इनका कामकाजी मुनाफा और साथ साथ मुनाफा दोनों ही फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मद्रास फर्टिलाइजर टर्न अराउंड स्टोरी, आज किसी स्टॉक पर फोकस है वो है ये, 9 करोड़ का घाटा था जो अब तब्दील हो चुका है मुनाफे में, 7.7 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया है, आय में इजाफा है 595 करोड़ वर्सेस 461 करोड़, इनका कामकाजी मुनाफा 11 करोड़ से बढ़कर सीधा 34 करोड़ रहा है। तो मद्रास फर्टिलाइजर यहां पर आज एक्शन तेज हो सकता है। कोची शिपयार्ड, मुनाफा 114 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ के फिगर आई है, लेकिन इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 15.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, 158 करोड़ का इन्होंने एबिटा रिपोर्ट किया है, आय में भी 716 करोड़ है वर्सेस 615 करोड़, तो कोची शिपयार्ड के नतीजे भी ठीक नजर आ रहे हैं। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हम बार बार कह रहे थे यहाँ पर वीक रिजल्ट्स आएंगे, 145 करोड़ का मुनाफा है, हम 175 से 177 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुनाफा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पोस्ट करेगी, हम 327 करोड़ का कामकाजी मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे थे, 303 करोड़ ही दे पाई है ये कंपनी, तो कमजोर नतीजे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, मुनाफा 13% बढ़ा है, 79 करोड़ पहुंचा है,
और आय में लगभग 5% की ग्रोथ देखने को मिली है, 757 करोड़ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की आय आई है। ठीक है सुमित, आप भी बताएं नंबर्स कैसे रहे। शुक्रिया डिम्पी। देखिए मेरे पास जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा कोई फायर भर किसी नंबर में नहीं है। शुरुआत करूंगा मिर्जा इंटरनेशनल के साथ। आय करीब 254 करोड़ से 307 करोड़ आई है। मुनाफा 21 करोड़ से घटके सीधे 7.5 करोड़ रुपये आया है। 64% के आसपास मुनाफे में डिक्लाइन आया है। ये जो इनकी टैनरीज बंद की गई थी कुंभ से पहले, उसका भी एक इम्पैक्ट कुछ आता दिखाई पड़ा है। और इबीटा जो है वो भी, यानी ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो भी 34% गिर के 30 करोड़ रुपये तिमाही के अंदर आया है। सिक्वेंशियली बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स वीक हैं। एनएचपीसी के मुनाफे में करीब 687 करोड़ से घटकर 182 करोड़ रुपये आ गया इस तिमाही में, और आय भी 15 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ है। अदर इनकम एक स्टीप फॉल है जिसकी वजह से इनके नंबर सिक्वेंशियली बहुत वीक हैं और साल दर साल भी इनके नंबर्स वीक आते दिखाई पड़े हैं। 1219 करोड़ से घटकर मुनाफा सिर्फ 182 करोड़ रुपए रह गया, तो एक स्टीप फॉल कंपनी के नंबर्स के अंदर आया है। जीआईसी मुनाफा 670 करोड़ से घटकर 340 करोड़ रुपए है और प्रीमियम इनकम भी घटी है, 7030 करोड़ रुपए है। वीक साइड पे ये नंबर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत डिटेल इनकी बीएससी में नहीं है, लेकिन आय और मुनाफे का फिगर ही यहां पर अवेलेबल है। एसजेवीएन यहां पर भी नंबर्स वीक है, जैसे एनएचपीसी के नंबर्स में गिरावट थी उसी तर्ज पे एसजेवीएन के नंबर्स भी वीक है। 206 करोड़ से घटकर 182 करोड़ रुपए इनका मुनाफा आया है। आय हालांकि बड़ी है 484 करोड़ रुपए, सेम इनकी भी अदर इनकम में एक तेज गिरावट, जिसके आधार पर तिमाही दर तिमाही और सालाना दोनों आधार पर नंबर्स वीक हैं। केआरबीएल, इनके नंबर्स की अगर बात करें तो मुनाफा 123 करोड़ से घटकर 100 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है और आय बड़ी है 783 करोड़ से 900-950 करोड़ रुपए के आसपास आई है। इनके दोनों ही सेगमेंट एग्री और एनर्जी, इन दोनों ने वीक परफॉर्मेंस दी है तिमाही आधार पर भी, जिसकी वजह से नंबर्स इनके साल दर साल और तिमाही दोनों ही लिहाज से वीक आते हुए दिखाई पड़े हैं। थायरो केयर के भी नंबर्स आए हैं, अदर इनकम इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स इनके वीक हैं सिक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पर भी। सालाना आधार पर मुनाफा 7% गिरा है, आय करीब 15% के आसपास बढ़कर आई इस तिमाही में और ऑपरेटिंग मुनाफा भी इनका फ्लैट रहा है, लेकिन तिमाही दर तिमाही ये जो नंबर्स हैं थोड़े वीक आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा फायर वर्क नहीं है थायरो केयर में भी। रोल्टा इंडिया, ये मुनाफे से घाटे में आई है, जाहिर सी बात है बहुत हायर डेट जिसकी वजह से कंपनी का 77 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 910 करोड़ रुपए का घाटा इस तिमाही में पोस्ट हुआ है। अब बहुत ज़्यादा डेट का रीपेमेंट इन्हें करना पड़ रहा है और इनकी आय भी 390 करोड़ से गिरकर 21 करोड़ रुपए, यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पर भी परफॉर्मेंस नहीं आते दिखाई पड़ी। जेपी पावर एक केस में घाटा घटा है, लेकिन ये ऑन अ फेस ऑफ इट है 96 करोड़ रुपए के आसपास इनका घाटा आया है। आय बड़ी है 970 करोड़ से 999 करोड़, लेकिन बहुत अच्छे नंबर्स ये भी नहीं है। पीसी ज्वेलर्स, मुनाफा घटा है 138 करोड़ रुपए इस तिमाही में आया है, 163 करोड़ से घटकर, और आय भी घटी है 2160 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। और आखिरी में अवंती फीड्स, सेकेंड क्वार्टर है जबकि इनके पास यूएस की जो टैक्स हायर टैक्स है उसका इंपैक्ट आ रहा है। 73 करोड़ रुपए के आसपास इनका मुनाफा आया है 100 करोड़ से घटकर, और आय 706 करोड़ से बढ़कर 835 करोड़ रुपए आई है। काफी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, काफी सारे रिजल्ट्स आने हैं, तो ये रिजल्ट्स का महाकुंभ है जो भी आप देख भी पा रहे थे। खैर इस बीच संदीप हमारे साथ जुड़े हैं खबर वाले शेयर्स बताने के लिए। संदीप बताएं आप। पहले तो कुछ नतीजे हैं एनएमपी, उन पे आप नज़र रखिए। एफडीसी एक स्टॉक है जिसमें आप देखिए हल्के पॉजिटिव आपको नंबर नजर आएंगे, 42.6 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 43.7 करोड़ है। आय भी हल्की बढ़ती हुई दिखी है, कारोबारी मुनाफा भी देखिए तो उसमें हल्की बढ़त है, और मार्जिन भी 21% थे वो बढ़कर 21.3% के हैं, तो हल्का अपटेक है नंबर्स में। सेसाशाही पेपर, पूरे सेक्टर के नंबर्स अगर आप देखें ज़्यादातर अच्छे आए थे ईयर ऑन ईयर। आप देखें इनकी आय 20% बढ़ी है, मुनाफा करीब 63% बढ़ता हुआ दिखा है, कारोबारी मुनाफा जो है वो 73% बढ़ा है, और मार्जिन देखिए बड़ा शार्प जंप है यहाँ पे, 16.3% के थे वो बढ़कर 23.5% के हो गए, तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर्स के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान रहे। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो इनकी आय 13% बढ़ी है, मुनाफे में 5% के आसपास का जंप है, कामकाजी मुनाफा 14% बढ़ा है, और मार्जिन्स में भी हल्का अपटेक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप तिमाही दर तिमाही नंबर्स देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जंप नज़र आएगा। एडवांस एंजाइम्स, यहाँ पे नंबर्स वीक हैं, इनकी जो आय है वो 5.5% घटती हुई दिखी है, मुनाफा करीब 3% के आसपास गिरा है। एबिटडा फ्रंट पे अगर आप देखिए तो 5% के आसपास ही गिरावट है, और मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं 41.2% के आसपास के। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज एक और कंपनी जिसके नंबर्स आए हैं और ये भी नंबर्स आपको कमजोर नजर आएंगे, इनफैक्ट इनका जो घाटा है वो बढ़ता हुआ दिखा है, 14 करोड़ के मुकाबले अब 16 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हो गया। आय महज 1% बढ़ी है, एबिटडा फ्रंट पे तो देखेंगे तो 4 गुना के आसपास की बढ़त घाटे में देखने को मिली है, -1 करोड़ था -4 करोड़ हुआ है, और मार्जिन भी जो कि नेगेटिव थे वो और ज्यादा नेगेटिव साइड पर फिसलते हुए दिखे हैं। लेकिन IDFC पे नजर रखिए, मुनाफे में कई गुना का जंप है, 2.4 करोड़ के मुकाबले 26.3 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा रिपोर्ट हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं यहाँ पे, आय अगर आप देखिए 11.9 करोड़ के मुकाबले 8.4
4.4 करोड़ की है। और यहाँ पे एक खबर भी है कि इनका जो IDFC सिक्योरिटीज में पूरा हिस्सा है वो कंपनी बेचने जा रही है चैटर्जी ग्रुप को। इनकी सब्सिडरी है IDFC FHCL के नाम से, जिसके पास ये पूरी होल्डिंग है इसकी, और वो चैटर्जी ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है पूरा हिस्सा ऑफलोड करने के लिए। कुछ बल्क डील्स की बात करें तो स्पेंसर्स रिटेल, जिसका सर्किट फिल्टर फ्राइडे को बदला था, 10% हुआ था, उसमें UTI म्यूचुअल फंड ने 5,15,000 शेयर बेचे हैं 128.20 रुपये प्रति शेयर के आसपास, लेकिन शेयर लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ था। कुछ प्रमोटर एक्टिविटी की बात करें तो रेमंड्स की एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है JK इन्वेस्टर्स, उन्होंने 1.5 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर करे हैं। 7 फरवरी को यह हिस्सा खरीदा गया है। श्री कलास्ती पाइप्स, कम बात होती है इस कंपनी की, लेकिन इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 5 से 7 फरवरी के बीच में 1.5 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर करे हैं, खरीदे हैं उन्होंने। और बजाज ऑटो की एक प्रमोटर कंपनी है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 1,08,000 शेयर इस कंपनी के 7 फरवरी को खरीदे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स संदीप के पास भी थे और कुछ खबरें भी। देवांशी, जरा ब्रोकिंग ऑफिस की रिपोर्ट्स बताएं आप। बिल्कुल, आज सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील पर देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे अपने जो लक्ष्य हैं वो घटा दिए हैं जिस तरह से अनुमान आए हैं, और जो कमेंट्री आती हुई दिख रही है उसके बाद यहाँ पे अपने लक्ष्य घटाते हुए दिख रहे हैं। M&M यहाँ पे डॉयश बैंक और क्रेडिट स्विस दोनों ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि जो चौथी तिमाही है वो थोड़ी सी और नरम रहने का अनुमान है, क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट में यहाँ पे हमें और वीकनेस देखने को मिल रही है, मार्केट शेयर गिर सकता है M&M का, और इसके अलावा जो ऑटो के मार्जिन है वो भी काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं। इसके चलते डॉयश बैंक क्रेडिट स्विस ने अपने लक्ष्य घटा दिए, और सबसे कम टारगेट सिटी के हैं 760 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं। टाटा स्टील यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं ब्रोकिंग हाउसेस को। सबसे पहले तो जो थाइसन क्रूप की दिक्कतें हैं वो कब तक अब ख़त्म हो रही है ये कोई टाइमलाइन नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। इसके अलावा मार्जिन्स पर आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी दबाव रह सकता है, स्प्रेड्स पर काफ़ी दबाव दिख रहा है, और इसके अलावा इंडिया और यूरोप के जो एबिटा लेवल्स हैं वहाँ पर अनुमान में यहाँ पर उन्होंने अनुमान काटे हैं क्रेडिट स्विस, और साथ ही यहाँ पर JP Morgan दोनों ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। सिटी भी बिकवाली की राय को बरकरार रखते हुए 425 तक के लक्ष्य दे रहा है। इसके अलावा आज BPCL पर सेलेस की रिपोर्ट है, और जिस तरह से नतीजा है इन्वेंट्री लॉसेस जो है वो काफ़ी घटे हैं जो एक मेजर पॉजिटिव था, और तीसरी तिमाही में रिफाइनिंग कारोबार काफ़ी मजबूत रहा था तो उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं 240 से बढ़ाकर 300 तक के लक्ष्य किए जो पॉजिटिव है। और बिंदु फार्मा यहाँ पर नज़र रखिए, क्योंकि आज जिस तरह से नतीजा आए तो US की जो बिक्री है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है, और आने वाले टाइम में जो अधिग्रहण किया है इससे टॉप लाइन में लगभग $1 बिलियन की मजबूती हमें देखने को मिल सकती है। CLS 820 तक के लेवल्स दे रहा है, और यहाँ पे जो सिटी है वो 1000 तक के लक्ष्य दे रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर CLS ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 450 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि हाल ही में जो कमेंट्री आई है दोनों कंपनी से, रेडिको खेतान यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसमें काफ़ी अनिश्चितता दिख रही है, और इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे वो मेजर नेगेटिव इन कंपनी के लिए हो सकती है। आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखना होगा, नोमुरा और सिटी दोनों की रिपोर्ट आई है, दोनों ये मान रहे हैं कि एक वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर में आते हुए दिखे हैं जो काफ़ी नरम थे और निराशाजनक थे, लेकिन जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी फ्लैट है जो और दिक्कतें दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य 1000 और 1200 तक के रखे हुए। क्यूमिंस पर नोमुरा की रिपोर्ट है जहाँ पर उन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 890 से घटाकर 765 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि इंफ्रा के जो ऑर्डर्स है वो काफ़ी कम हो रहे हैं और मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिलेगा। आखिर में भेल पर नज़र रखनी चाहिए, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे 46 तक के लक्ष्य दिए हैं जो करंट लेवल से 25% का डाउनफॉल है, और यहाँ पे भी मान रहे हैं कि आगे चलकर जो पावर सेक्टर है यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही हैं। 46 ये नया लेवल है ना, नया लेवल है। 46 तक का तो अभी तक किसी ने नहीं दिया था, इसलिए इंटरेस्टिंग है। 90, 60, 65 तक तो रहे हैं, 46 का नया अपडेट रिपोर्ट ऑफ द डे आज ये है कि कोई और नहीं, यही है। हाँ, आप तो यही बोलोगे USL तो बोलोगे नहीं, जहाँ CLS का डाउनग्रेड है 50 रुपए कम हुए। हाँ, तो 50 तो 10% ही 50 रुपए कम हुए, वो भी सेंटिमेंट को देखते हुए। चलिए, सेंटिमेंट थोड़ा सा CLS ने खराब किया है USL के लिए, आज देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए मेहमानों को करते हैं शामिल, हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में शुभम अग्रवाल, और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिमी भौमिक, जयपुर से हमारे साथ संदीप जैन, और दिल्ली से हैं हमारे साथ कुणाल सरावगी। चारों दिशाओं से है ना हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, तो चलिए शुरुआत कोलकाता से की जाए। कोलकाता से सिमी जी, गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेड। गुड मॉर्निंग दिव्य, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग, आज के ट्रेड दो है, एक सेल कॉल है, एक बाय कॉल है। सेल कॉल में एशियन पेंट्स को चूज किया है, 1450-1454 इस रेंज के बीच में मिलता है तो सेल करके देखना चाहिए।
1458 या 62 के ऊपर स्टॉप लगाएंगे। टारगेट्स 1435-1428, ये दो टारगेट्स होगा इंटरडे के लिहाज से। और बाई कॉल में UPL शामिल है, 808-810 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 800 या 797 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 817-823 ये दो टारगेट्स होगा इंटरडे के लिहाज से। दो कॉल, एक बाई, एक सेल। ठीक है, एक बाय और एक सेल। एशियन पेंट्स को बेचना है, यूपीएल को प्लस करना है। सिमी तो खैर तीन चार दिन से यूपीएल के बारे में कह भी रही हैं। और ये था कि यूएसएल तो नहीं था? नहीं सर, यूपीएल ही। यूपीएल ये पक्का है ना? यूएसएल भी दिया था, हालांकि उस समय ऊपर आया, बाद में थोड़ा नीचे आ गया, बट हाँ यूपीएल यूएसएल दोनों सिमी की लिस्ट में रहे हैं। शुभम जी, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। दो कॉल है और दोनों ही आज बिकवाली की तरफ है। तो पहला जो है वो है आईओसी। आईओसी को अगर देखें और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर ओवरऑल भी देखेंगे तो ओवरऑल वहां पे शॉर्ट्स बिल्ट होते हुए दिखे थे। और 29 जनवरी से हमने देखा कि आईओसी में कंसिस्टेंटली शॉर्ट बिल्ट होता जा रहा था और लास्ट एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है पूरे के पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आईओसी उसमें ज़्यादा गिर सकता है। तो एक सिंपल 130 का पुट ऑप्शन को यहाँ पे खरीदने की सलाह है, जो 2 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 5 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 50 पैसे का। और दूसरा कॉल है सन टीवी पे। अगर सन टीवी को देखें तो मुझे लगता है कि ये नया कैंडिडेट ऐड हो गया है लिस्ट में, जो कि कंटिन्यूसली शॉर्ट करते रहना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ से और 100 रुपये का गिरावट सन टीवी में देखने को मिलेगा। तो एक सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकडाउन है। चार्ट पे अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ और वहाँ से भी ब्रेकडाउन है, और पिछले 2 दिनों से डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो सन टीवी का 500 का पुट ऑप्शन जो 16-16.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उसको खरीदना चाहिए। 32 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये का। ओके, तो दोनों बिकवाली वाले हैं आपके आज। कुणाल जी, बैलेंस बनाया आपने, खरीदारी बिकवाली या कैसे आज? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए आज मैंने मौके का फायदा उठा करके दोनों काउंटर्स में बिकवाली की राय देने का सोचा है। तो दो शेयर्स मैंने चुने अनिल जी, जिसमें सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। okay. जिसकी बात कल यानी कि शुक्रवार को आपने की थी और हमने ब्रेकडाउन की चर्चा की थी, और मुझे लगता है कि वो जो ब्रेकडाउन है बहुत सिग्निफिकेंट है, बड़ा ब्रेकडाउन है, उसकी पुष्टि क्लोजिंग बेसिस पर हो गई है। मान लीजिए आज बाजार में कोई शुरुआती उछाल देखने को मिलता है तो उसका इस्तेमाल करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को शॉर्ट करने के लिए। 630 रुपये पर यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें। 560 तक फिसलता हुआ चार्ट्स पर नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो किसी भी उछाल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को बेचना चाहिए। ये हाई बीटा स्टॉक है और इसमें बड़े पुलबैक भी आते हैं, तो थोड़ी सावधानी से बेचें और बड़ा स्टॉप लॉस जरूर रखें। और दूसरा काउंटर जिसपे बेचना चाहिए मेरी राय में वो है PNB। कल शुक्रवार को हमने देखा सभी सरकारी बैंक्स में स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया, और सबसे कमजोर स्ट्रक्चर अगर आप चुने उनमें से तो वो होगा PNB का, जिसने कि 73 रुपये के एक मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है। और मुझे लगता है कि काउंटर 68 और बाद में 65 रुपये के लेवल्स दिखाएगा। तो ऊपर PNB को शॉर्ट करें, 73.50 का स्टॉप और 68 का लक्ष्य होगा। ओके, तो दोनों बिकवाली वाले हैं, आईबुल हाउसिंग और PNB बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बार आईबी हाउसिंग का स्टॉप लॉस मेरे को वापस से कंफर्म कीजिए, ये कितना है? 630 कह रहे कि 620 कह रहे थे आप? देखिए डिम्पी, फ्यूचर्स में 630 का लेवल है जहां पर स्टॉप लॉस रखना है, 560 रुपये का लक्ष्य। ठीक है, तो इसको 630 कर लीजिए सामने, अभी आप देखेंगे इसको 630 का एक स्टॉप लॉस के साथ इसको फिर बेच सकते हैं। PNB और इंडियाबल हाउसिंग फाइनेंस दोनों बिकवाली की कॉल है। ठीक है, अब हमारे साथ जयपुर से संदीप जैन भी जुड़े हैं। जैन साहब नमस्कार, आपकी तरफ से आज के ट्रेड। देखिए मैंने एक स्टॉक चुना है IDFC, मुझे समाओ ऐसा लगता है कि IDFC में कहीं ना कहीं डाउनसाइड एक बन चुका है, बहुत ज़्यादा अब डाउनसाइड लगती नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर है, और कुछ ऐसा लगता है कि जो इनका IDFC फर्स्ट है वो अब धीरे धीरे, हालांकि उनका रिजल्ट्स आया था और रिजल्ट्स में देखिए बहुत कई चीज़ें बहुत अच्छी थी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी चलेगा और आगे आने वाले महीनों में या सालों में कई वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखेगी। और दूसरा स्टॉक था UPL, जो कि ऑलरेडी सिमी भौमिक जी ने दिया हुआ है, और वो भी मुझे अच्छा लगता है निफ्टी का पार्ट होने के बाद। देखिए बहुत महीनों तक ये परफॉर्म नहीं किया, और अब देखिए जिस तरीके से एग्री थीम में एक आ जाए तो थोड़ा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो बिल्कुल अपनानी चाहिए इसमें। और एक स्टॉक है सिंजिन, जो कि मैंने पहले भी काफ़ी बार दिया हुआ है, मुझे लगता है कि जिस तरीके का मार्केट है यहाँ पे अब रिस्की मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में नहीं घुसना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो स्पाइक्स देते हैं वहाँ से दूर होके थोड़े से सेफर बेट्स में घुसना चाहिए, क्योंकि मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्च तक जब तक ये इंटरनेशनल क्यूज़ ग्लोबल क्यूज़ फेवरेबल नहीं होंगे,
क्योंकि अब डोमेस्टिक क्यूज तो बहुत ज़्यादा मुझे लगते नहीं कि हैं, और अब इलेक्शन का समय आने वाला, अब धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए भी स्टॉक पिकिंग करना। तो आई फील कि सिंजिन जैसे स्टॉक्स जो जनरली सुस्त रहते हैं और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं लगती है, तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सिंजिन है जिसको खरीदना है, UPL है जिसको खरीदना है, और एक IDFC है जिस पर खरीदारी की राय है। हालांकि UPL या सिमी भौमिक की कॉल है। ये बात तो है सिमी जी के जो भी शेयर होते हैं ना दूसरे एनालिस्ट को भी बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डेरिवेटिव हो, ट्रैक करते हैं। एनालिस्ट की बात क्यों कर रहे हैं आप, खाली एनालिस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स भी हैं जिन्हें बहुत पसंद आते हैं। नहीं, सिमी भौमिक की कॉल्स तो खैर शानदार है, इसमें कोई जोड़ा नहीं। सिमी जी आपको पता है ना बहुत सारे एंकर्स भी आपके कॉल्स बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मुझे पता है। जैसे सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आपको पता, आपको पसंद नहीं है मेरा कॉल, अरे इसलिए बहुत दुख है। नहीं तो डीपी को तो हमेशा मेरा कॉल्स पसंद है, वो मुझे मालूम है। बस वही तो बताना था कि सर आपको पसंद क्यों नहीं, नहीं मुझे पसंद है, खाली ये कि मुझे मौका नहीं मिलता है। डिम्पी जी आपकी इतनी तारीफ कर देते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए जैसे ही आपने कॉल दिया डिम्पी जी खुश हो जाते हैं। देखिए चलिए UPL का कॉल आपका सक्सेसफुल, जैन साहब को भी पसंद आ रहा है। आइए आप कुछ स्टॉक्स पर बात करते हैं। PC ज्वेलर्स नतीजे कमजोर रहे, 138 करोड़ का मुनाफा 163 करोड़ से घटकर और आज 2700 करोड़ के आसपास थी, घटकर रहेगी 2160 करोड़ की। जैन साहब क्या करें, PC ज्वेलर्स बेच के फिर टाइटन ही ले लें, नंबर्स को देख के, ब्रांड को देख के, कंपनी को देख के, ग्रुप को देख कर वैसा कर लेना ठीक है? बिल्कुल, देखिए टाइटन भी बहुत चल चुका है ऐसा नहीं है, बट फिर भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, और मैं यही कहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, क्योंकि अभी एग्रेसिव होके बाइंग करने का समय नहीं है। कई बार मैं बोल दूं, हालांकि बाई है मेरी बाई लिस्ट में, सर्टनली टाइटन है। PC ज्वेलर्स तो क्लियर कट एग्जिट है, अवॉइड है, और ऑफ रडार कर चुका हूं मैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से FNO का आप लोगों ने एक मुहिम चलाया था बहुत अच्छा कि ये स्टॉक क्यों रहे इसमें, तो ये भी स्टॉक वैसा ही यहां से भी निकलना चाहिए। हो सकता है कि कई डिबैकल, कई एक्सीडेंट्स यहां पे अभी बाकी है, हो सकता है थोड़ा गोल्ड वोल्ड की प्राइसेस थोड़ी स्टेबल है, तो इसके भी प्राइसेस अब थोड़े बहुत स्टेबलाइज हुए हैं। बट ओवरऑल कॉरपोरेट गवर्नेंस के जहाँ इश्यूज है वहाँ पे पिटाई इतनी बुरी तरीके से हो रही है, तो अब तो डरना बहुत ज़रूरी है इन टाइप के स्टॉक से। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा दूरी बनाए रखें, और जो टाइटन की आपने बात कही, जो आपने लॉजिक दिया, वो सारे बात सही है, और वहाँ पे भी फिर भी मैं ये कहूँगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी। ठीक है, इस बीच अपोलो हॉस्पिटल के भी नतीजे आए हैं। मुनाफा उम्मीद ही था कि करीब 25% के आसपास बढ़कर आएगा, 29% बढ़कर आया, और इसका कामकाजी मुनाफा भी करीब 20% बढ़कर आया। शुभम जरा अपोलो हॉस्पिटल देखिए, ये स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। वैसे तो उसने कभी कमजोरी दिखाई नहीं जल्दी जल्दी, अभी अभी और बना रहेगा और तेज़ होगा। डिम्पी आज ये न्यूज़ के बाद कैसे परफॉर्म करता है वो देखना होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक 1250 का लेवल टूटता नहीं है तब तक यहाँ पे एक ऑस्किलेशन का रेंज बना हुआ है, जहाँ पे 1255 के आसपास सपोर्ट है और अपर साइड में 1350 का एक रेजिस्टेंस है, तो एक ऑस्किलेटिंग स्टॉक है। मुझे लगता है 1250 को एक इम्पॉर्टेंट लेवल को स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। तो ओपनिंग के बाद देखें, अगर वो लेवल होल्ड हो रहा है तो 1250 के स्टॉप लॉस से एक मेन रिवर्जन एक्सपेक्ट किया जा सकता है 1310-1320 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो फिलहाल तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोचिन शिपयार्ड, जरा सिमी जी इसके चार्ट देखिए, नतीजे इसके भी अच्छा हैं। 114 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 130 करोड़ रहा है, कामकाजी मुनाफा भी 15% बढ़ा है, तो मुनाफे के आंकड़े में जो बढ़त है ठीक सी है, कोई बुरी नहीं। स्टॉक में कहीं कोई संकेत हैं खरीदारी के या छोड़ दें? देखिए संकेत तो एक है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें कारोबार हुआ था, पर देखना पड़ेगा कि ऊपर का लेवल्स पर ये सस्टेन किया था कि नहीं। ये ऊपर में सस्टेन नहीं किया था, 360 के आसपास आके ही बंद किया था, और मुझे लग रहा है कि एकदम ट्रेंड तो बहुत ही डाउन है, वीक ट्रेंड है, इसमें कोई भी बाय कॉल देना बहुत ही मुश्किल है अनिल जी। पर रिजल्ट्स के दम पर अगर ये आज चलने लगता है और 370 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है, तो एक मूव 380-385 तक दे सकता है, पर उस रेंज, उस रैली में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर है। मतलब इंट्राडे में जो भी इसमें एंट्री करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेनेबल रैली होगा, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में जो भी मिलता है वो बेच, मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना खराब है कि इसमें रैली सस्टेनेबल होगा नहीं, ऐसा ही लगता है। कुणाल जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पहले अनुमान था इसके कमजोरी नंबर आएंगे, नंबर तो खैर कमजोरी है, मुनाफा 190 करोड़ से 145 हो गया, हालांकि आय थोड़ी बहुत बढ़ी है 100 करोड़ रुपए के आसपास की। ये स्ट्रक्चर आज फिर से टूटेगा, डे लो पे बंद किया था, नंबर्स भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं, अच्छे नहीं है।
देखिए कल डिम्पी मैंने इस पर एक एसटीबीटी कॉल दी थी बालकिशन इंडस्ट्रीज पर और मुझे लगता है कि इसका स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसने 800 रुपए के एक अहम स्तर को कल के ट्रेड में तोड़ा था और आज भी मुझे लगता है कि इसमें मंदी ही हावी रहेगी। जो बड़ा सपोर्ट है वो चार्ट पे सीधा 700 के रीजन में है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके 700 तक फिसल सकता है। काफी ओवरसोल्ड है, ये बात बिल्कुल सही है, तो अगर कोई पुलबैक आता हुआ दिखे तो मुझे लगता है कि उसमें बेचा जाना चाहिए। 700 तक के टारगेट्स बालकिशन के लिए है तो उछाल में बेचने की राय रहे। ओके, बालकृष्ण को उछाल में बेचें 700 तक के लक्ष्य के लिए। नंबर्स के बाद वाकई में कमजोर होने की आशंका भी है। नेल्को ये जरा देखिए, वायदा कारोबार में है ना अभी भी? अभी भी है। आजकल कंफर्म करना पड़ता है सारे रोज कोई बाहर निकलता जाता है। तो नेल्को के नंबर्स हैं खराब। 370 करोड़ का हमारा अनुमान था मुनाफा आएगा, आया सिर्फ 302 करोड़। आए 3041 करोड़ के सामने 2700 करोड़ के आसपास। मार्जिन 28% से घटकर सीधे 19%। और मेटल है खराब। पूरी रेसिपी है एक्सीडेंट होने की, पूरी रेसिपी अनिल जी। और अगर 56 का लेवल कंफर्म कर देता है अगर आज ओपनिंग के बाद नीचे, तब मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। बिकॉज वो लेवल अगर हम देखें तो फरवरी 2017 से लेकर के अभी तक उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन की यहाँ पे तैयारी है। तो 56 के लेवल के नीचे मुझे लगता है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिलेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो स्ट्रेट अवे 45 रुपये तक का हो सकता है। तो बेचना चाहिए ओपनिंग के बाद, एक बार स्टॉप लॉस हम लोग वापस रिव्यू कर सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है। जैन साहब, ये पानी से बिजली बनाने वाली जो कंपनी है ना, इन दोनों की बिजली गुल है। NHPC का भी मुनाफा कम हुआ है और SGVN का भी मुनाफा कम हुआ है, इन दोनों कंपनीज पे करना क्या है? बिजली तो जो पानी से बनाए चाहे हवा से बनाए, सबकी हालत है खराब, सबकी गुल है। हाँ, जो कोयले से बना रही वही ठीक है, क्यों हवा से बनाने वाली भी सुलग रही है, धीरे धीरे सुलग रही है जी। हाँ, वो भी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग वैसा नहीं आ रहा। तो बिजली वाली कंपनी का करना क्या है इन दोनों का? सही है, पानी से बनाने वाली, सूरज से बनने वाली, जितने भी वो पंच तत्व है सबसे जो भी बनती है, सारी बिजलियों में ही प्रॉब्लम है। और ये इनका भी करंट और पावर सारा खत्म हो चुका है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड ही करें। देखिए ये स्टॉक्स वैसे रिजल्ट्स खराब आया बात ठीक है, बट SJVN एज अ कंपनी अच्छी लगती है। और NHPC देखिए, वैसे इनमें क्या बहुत ज़्यादा कोई खोने को ऐसा लगता नहीं है कि कोई रिस्क है, बट फिर भी फ्रेश बाइंग की राय नहीं है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा फ्रेश बाइंग का शुरुआत में ही कमेंट्री में कहा कि अभी समय है नहीं वैसा, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है इनफैक्ट स्टॉक पिकिंग के लिए, और या फिर स्टॉक को रखने के लिए जो कन्विक्शन चाहिए वो भी बहुत डिफिकल्ट लगता है अब। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और बाकी जिन्होंने ले रखा हो बस सिंपली होल्ड करके रखे, क्योंकि यहाँ से निकल के भी अगर आप दूसरे में भी जाओगे तो वो खाई से निकल के कुएं में ही जाने वाली बात होगी, इतना ईजी नहीं रहेगा। क्योंकि जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हो बहुत महंगे हो गए हैं, और जो परफॉर्म कर रहे हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, वहाँ पे घुसने की हिम्मत नहीं होती, और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे अभी रिस्क दिखती है। तो मेरे हिसाब से सिंपली स्टे पुट एंड होल्ड। ठीक है, वैसे एक फर्टिलाइजर की कंपनी है मद्रास फर्टिलाइजर, इसके नतीजे बड़े अच्छे आए हैं। 9 करोड़ के घाटे के मुकाबले इन्होंने 7 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया है और इनकी आय भी बढ़ी है 595 करोड़ रुपये के आसपास। इसमें जरा इसको देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर एक बुलबैक डिम्पी आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छा हुआ है तो मुझे लगता है कि 21.90 इसका हाई था लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन का, इस रेंज के ऊपर जाके अगर ये सस्टेन करेगा, 22 का लेवल ही ले लो, अगर 22 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो 24 से 25 का रेंज इसमें वापस से देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट वीक का इसका हाई था। पर वही इसका रेजिस्टेंस एरिया है 25 से 27, ये रेंज, इस रेंज के बीच में जनवरी महीने में ये स्टॉक हाई बना के नीचे आ चुका है। तो जब तक डिसाइसिवली ये रेंज क्रॉस नहीं होता है 25 से 27 रेंज, तब तक इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। पर आज के दिन के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो 22 के ऊपर का लॉन्ग पोजीशंस का लॉन्ग एंट्री किया जा सकता है 22 के ऊपर, 25 का टारगेट लेके, और मैक्सिमम 27 एक दो ट्रेडिंग सेशन में, और 27 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा। ओके, बेल का टारगेट दिया है मॉर्गन ने 46 रुपये का, जैन साहब आ जाएगा? वाकई में बहुत सरप्राइजिंगली काफ़ी नीचे का, और जो आप लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट आज बन सकता है ये, इनफैक्ट जिस तरीके के एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की जो बातें आ रही है, और इनफैक्ट मुझे याद है 5-6 साल पहले तो सबके बाई लिस्ट पे हुआ करता था, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक की काफ़ी बढ़ाइयाँ हुआ करती थी, बट वो सारी चीज़ें गुल हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि
पीएसयू स्टॉक्स में ओवरऑल काफ़ी रुझान नेगेटिव हो रखा है। एक तो अननेसेसरी कॉरपोरेट एक्शन भी बहुत ज़्यादा है सरकार की तरफ से, अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स पूरे करने के लिए या बायबैक करना है या ये करना है, बहुत सारा जब सप्लाई हो जाता है इस टाइप की चीज़ों का इन्फॉर्मेशन और पेपर का, तो थोड़ा दूरी रहना चाहिए वो पूरे सेगमेंट से ही। और भेल तो पर्टिकुलरली बैलेंस शीट वाइज भी खराब हो गई है, रिजल्ट्स वाइज भी खराब है, और एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी, अब वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए ऐसा उम्मीद लगता नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो दूरी बनाए रखे बेहतर होगा। एक निफ्टी की कंपनी भी है आयशर मोटर, अनिल जी आप कह रहे थे ना कि इसकी आवाज़ जो है रॉयल एनफील्ड की धक 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 करके वाली वो बड़ी कमाल की है। आजकल क्या है ना, आयशर मोटर के जो शेयर जिनके पास है ना, उन निवेशकों के दिल में धुक 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 होती रहती है, वैसी आवाज़ धक से धुक धुक हो गई है कि पता नहीं रॉयल एनफील्ड के सेल्स के आंकड़े कैसे आएंगे, मैनेजमेंट क्या बोलेगी, इसके मार्जिन क्या रहेंगे। अभी कुशल ने एनालिसिस करके बताया कि इसकी धुक धुक थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि मार्जिन आ रहे खराब। शुभम क्या करना, जिनके पास शेयर हैं वो ये सोचते होंगे कि बुलेट की आवाज थोड़ी कम हो जाए, तो उनके भी धड़कन की आवाज थोड़ी कम हो जाए, वैसा हाल है। तो लेकिन रिजल्ट के मुझे याद है पिछले रिजल्ट के बाद बहुत तेजी से गिरा था, और तब मैनेजमेंट ने जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया था वो लोगों को हिलाने वाला था। तब हमने कहा भी था कि शॉर्ट कॉल दीजिए, और मुझे याद है कि तब तगड़ा वाला शोर। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं इस बीच हाथ खड़ा कर, कुणाल जी बोलिए। देखिए अभी बात आप लोग आयशर मोटर्स की कर रहे हैं, कल संयोग से देखिए पहली बार जीवन में मैं आयशर मोटर्स की जो एनफील्ड बाइक है इस पर मैंने सवारी की है। अरे वाह। तो मैं जो डिम्पी जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ, आवाज़ तो वाकई में उसकी कमाल की। बिल्कुल। लेकिन याद है आपको पिछली बार जब रिजल्ट सीजन में इसी वक्त हमने आयशर मोटर्स शॉर्ट कॉल दिया था, हमने कहा 2000 रुपये कम से कम गिरना चाहिए, वो अलग बात है ये माना नहीं हमारी बात और 5000 गिर गया। तो लेकिन और उस समय हमने कहा कि रिजल्ट खराब है लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और भी खराब है, तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कितना ठीक हुआ है ये आज पता चलेगा रिजल्ट में। अच्छा, लेकिन रिजल्ट के पहले क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है? जी एकदम ओपन सेल है और मुझे लगता है 5000 रुपए उस टाइम गिरा था, 5000 रुपए फिर से गिरेगा, तो मैं तो 15000 भी आ जाएगा तो भी इसमें बायर नहीं हूँ। ओवरऑन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो इतने समय से पॉजिटिव था वहाँ पे ब्रेकडाउन है, डेरिवेटिव डेटा में कंटिन्यूस शॉर्ट्स है, लास्ट डे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप देखेंगे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो सारे ही पैरामीटर पे ये स्टॉक काफ़ी नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि 22000 का स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। और डाउन साइड में तो मुझे लगता है कि बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा, बट फिर भी अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट देखना है तो 19000, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15000 का लेवल मुझे लगता है कि आता हुआ दिखेगा, 15000 तक आ सकता है आयशर मोटर, इसलिए फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें, एक बार पहले रिजल्ट्स को भी आने दें, उसका भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल नतीजे तो कमज़ोर हैं और शुभम भी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर भी कमज़ोर है। एक और ऑटो कंपनी है अतुल ऑटो, इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं, इसका मुनाफा करीब 65% बढ़ गया, 9 करोड़ से 16 करोड़, और इसकी कामकाजी आय वो भी करीब 50% बढ़ी है। सिमी जरा इसको देखिए, अतुल ऑटो इसमें क्या करें? डिम्पी, रिजल्ट्स हो सकता है कि बहुत अच्छा आया है पर स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। सिर्फ एक ये चीज़ है कि एक ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन, एक ट्रिपल बॉटम बना है पर उसका कंफर्मेशन ब्रेकआउट बहुत ऊपर आना है, तो बहुत जल्दी इसमें बहुत कुछ होगा ऐसा उम्मीद नहीं है। फिर भी आज का रिजल्ट्स के बाद अगर इसमें मूवमेंट होता है तो 310 का टारगेट बन सकता है। इंट्राडे के लिए अगर कोई खरीद रहा है तो 310 तक वेट करें, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर है। स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, यहाँ पे कोई पोजिशनल बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह 290 के नीचे स्टॉप लॉस, 310 मैक्सिमम 315 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करें। इंट्राडे में अगर मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ओके, तो ये है आपके लिए राय अतुल ऑटो पर। We'll be right back.